हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? चलिए आज चर्चा करते हैं विल पावर के बारे में। विल पावर से आप अपना जीवन में क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या कैसे कैसे करें, इस बारे में आज पूरा चर्चा करेंगे। विल पावर मीन्स यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर डिजायर। आपका मन में इच्छा हो रहा है, आपका शरीर का थोड़ा कैलोरी बर्न करना है, ये आप सोच लेते, एक प्लानिंग कर लेते हैं। आपका बॉडी से आपको 10 किलो वेट कम करना है, तो उसलिए आप क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक पे चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम पे जाते हैं, ऐसा करना शुरू कर देते हैं। पहले पहले कुछ दिन, एक हफ्ता 10 दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मन में बहुत खुशी होता है, आपका विल पावर से आप बहुत एक्सरसाइज कर ले। इसके बाद होता है असल प्रॉब्लम, 2-10 बड़ा दिन या 15-20 दिन ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपका मन में आता है चलो मॉर्निंग में उठ के आज सो जाए, आज और नहीं जाएंगे, इसके लिए आप सो जाते हैं उस दिन। उसका नेक्स्ट दिन भी आपका मन में वो ख्याल आता है। ऐसा करते करते आप कुछ ही दिन में आप पूरा पूरी आपका जो एक्सरसाइज है वो बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो अचीवमेंट करने का जो चाहत था वो पूरा नहीं हो पाता है, आपका बोल देता है टाटा बाय बाय, ऐसा बोल के चला जाता है। अगर इसके साथ आप थोड़ा सा इमोशनल एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं, मतलब आपका मन में कुछ करने का चाहत है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, सामान स्पेशल आप उसे देखना चाहते हैं, उसके साथ मुलाकात करने के लिए अगर आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठ के जाना है, वहां से उसके साथ मुलाकात हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, इस समय आप थोड़ा सा विल पावर का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आप विल पावर का प्रयोग कीजिए, सुबह उठ के जाइए, उसके बाद अगर पैदल जाना है तो 4-5 किलोमीटर थोड़ा वॉक करके घूम के जाए, उसके पास उसके साथ थोड़ा मुलाकात करके आए या फिर देख के आए, देखने से आपको मन में खुशी होता। अगर आप थोड़ा साइकिलिंग में करना चाहते हैं तो साइकिलिंग 10 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाए या फिर 5 किलोमीटर रनिंग करके जाए, थोड़ा घूम घूम के जाइए, ऐसा तो नहीं है कि एक ही रास्ता से जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो अचीवमेंट है वेट लॉस करने का या कैलोरी बर्न करने का, ये आपका पूरा हो जाता है। अगर आपका ये इमोशनल एक्सपीरियंस आपका प्रयोग करते हैं तो आपका मन में चाहत है, चाहत का भी पूरा होता है और आपका अचीवमेंट भी पूरा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ विल पावर से आप अपना जीवन में कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते, जब तक ना आपका उसके साथ इमोशनल एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। विल पावर मीन्स यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर डिजायर, और इमोशनल एक्सपीरियंस मीन्स यू आर फाइटिंग फॉर योर डिजायर। आपका कुछ चाहत है, उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, इसे आप इमोशनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। आपका बचपन में कुछ ऐसी बात हो गया, आपको मन में बहुत ज्यादा खुशी हुआ, अगर मान लीजिए बचपन में आपका पिताजी आपको एक साइकिल गिफ्ट किया, तो वो आपका जीवन का बहुत ही बड़ा इमोशन है, आपका फर्स्ट साइकिल, तो वो दिन कैसे हुआ वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। या फिर आपका कोई आपको इंसल्ट करता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, वो चीज आप नहीं भूल सकते, इसे कहते हैं इमोशन, इमोशनल एक्सपीरियंस। आपका मन में छवि तैयार हो जाता है, आपका मन में एक वीडियोग्राफी बन जाता है। जब इमोशनल एक्सपीरियंस आपका मन में तैयार हो जाता है, तब आप अपना जीवन में लाभ उठा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कुछ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टफेस्ट एग्जाम, इसके लिए आपको घर से दूर रह के, सब दोस्तों के साथ दूर रह के आपको 15-20 घंटा करके पढ़ाई करना पड़ रहा है, एडुकेशन कुछ कोर्स करना पड़ रहा है। तो एक समय आता है कुछ दिन में आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेशमेंट मांगता है, आपको मन चाहता है कि थोड़ा इसे मजा चाहिए, मजा मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, विल पावर के चक्कर में किसी से सुन के आप घर में बैठ जाते, दरवाजा बंद कर देते, लाइट ऑफ करके मेडिटेशन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय आपका माइंड चाह रहा है कि थोड़ा गाना सुने, थोड़ा डांस करे। अगर आपका मन चाह रहा है पतली कुमरिया में डांस करने के लिए, आपका मन चाह रहा है पतली कुमरिया में डांस करने के लिए, आप क्या करते हैं उस समय घर का दरवाजा बंद करके लाइव लेसन फाइट ऐसा करके मन से बोलते हैं, जॉब करते हैं। इससे आपको माइंड रिफ्रेश नहीं होता, इसका मतलब है आप विल पावर के चक्कर में आप अपना माइंड के साथ लड़ाई कर रहे, फाइट कर रहे, आप अपना मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जैसे चल रहा है उसे ऐसे चलने दे, उसको थोड़ा रिफ्रेशमेंट कराइए, उसके बाद उससे काम कराए। अगर आपका मन में चाहता है थोड़ा गाना सुनने के लिए तो गाना सुन लीजिए, उसके बाद आपका
रिफ्रेशमेंट बॉडी माइंड जब आपका रिफ्रेश हो जाता है तब आप अपना काम में फिर से पढ़ाई करिए या फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में था रिलेशनशिप में थे आपका रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप मन ही मन में दुखी होते हैं। हर तरह का आपको मन में ख्याल आता है, बुरा बुरा ख्याल, सुसाइड करने का मन करता है, आप पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब आप क्या करते हैं, विल पावर का प्रयोग करते हैं, विल पावर का प्रयोग करने का कोशिश करते हैं। आप कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और क्या करते हैं उसके बाद आप आपका वो साथी को आप भूलने का कोशिश करते हैं। आप जितना भूलने का कोशिश करते हैं उतना ज्यादा ही बढ़ जाता है, उतना ही ज्यादा ही आपका मन में दर्द होता है, क्योंकि आप अपना माइंड का अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, आपका डिजायर का अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। आप एक मन में एक छवि बना लिए थे कि आप उसके साथ शादी करके ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, इधर घूमेंगे, वो टूट जाता है अचानक से, तो इससे आपका मन में दर्द होता है। और आप विल पावर के चक्कर में घर का दरवाजा बंद करके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आप अपने आप को तो दुखी करते हैं, आपका आजू बाजू में जो दोस्त है, आपका जो फैमिली मेंबर है, सबको आप दुखी करते हैं कुछ गलत बोल के। तो ऐसे समय में ये आपका विल पावर काम नहीं आएगा, ऐसा समय में आपको इमोशनल एक्सपीरियंस का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका इमोशन मन में एक छवि है, आपका मन में एक इमेज बना हुआ है, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये करना है, आप वो नहीं कर पाते, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसा ब्रेकअप होने के बाद जाइए उसके पास, लास्ट बार मुलाकात कीजिए, जाके बोलिए कुछ कहना है, तू नहीं तो कोई और से ही, कोई और नहीं तो कोई और से ही, जाने मन सारे जहां पे तू अकेला तो नहीं, बिल्कुल इसी स्टाइल पे बोलिए। एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, दस बार बोलिए, आप एक बार बोल के तो देखिए आपका मन में जितना भी दर्द था, जितना भी डिप्रेशन है, जितना भी आपका मन में बुरा बुरा ख्याल आता है, वो एक ही झटके में चला जाएगा, आपका मन को शांति मिलेगा। आप जो डिप्रेशन में आपका हाथ का नाश करने की कोशिश करते, सुसाइड करने की कोशिश करते, वो चीज एक ही झटके में चला जाएगा, ये पूरा 100% गारंटी है। आपका मन, आपका माइंड चाहता है कि वो दर्द को भूलने के लिए, तब वो दर्द आपके पास नहीं रहेगा, ऐसा भूलेंगे तो वो जो दर्द था वो आपका पार्टनर के पास चला जाएगा, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। इसको कहते हैं विल पावर से ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है इमोशनल एक्सपीरियंस। आपका इमोशन, मन में जो इमोशन है, आप बचपन से मान लीजिए कुछ खाना पसंद करते, ये खाना पसंद करते, इधर घूमना पसंद करते, जो भी काम करते, वो अपना आपका मन में एक डायग्राम, एक छवि, इमेज बन जाता है। आपका मन आपका वही चीज चाहता है कि ये चीज करे, ये चीज ना करे। ये जब इमोशन आपका तैयार हो जाएगा, आपका मन का जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, इसमें एक छवि, एक वीडियोग्राफी के जैसा बन जाएगा। तब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा अगर क्या आपको जीवन में चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपका मन में चाहत आता है, एक प्रोग्राम के जैसा आपका माइंड में फिट हो जाता है। तो आपको वो छवि बनाना है, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका थोड़ा जो इमोशन है उसको थोड़ा वैल्यू देना है। अगर मान लीजिए आपको कोई चींटी करता है या मच्छर करता है, आप सोचते हैं क्या इसको मरे या नहीं मरे? आपका ब्रेन में जो एक इमेज है, जो प्रोग्राम है, वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ को लेके उसमें चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशन। आपका मन में ऐसा इमोशन क्रिएट कीजिए, क्रिएट करने से आपका जितना भी पावर, जितना भी आपका दर्द है वो नहीं होगा, आपका जीवन में जो भी चीज अचीव करना चाहते वो चीज मिलेगा, आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।